तो बड़ी खबर आपको बता दें, 30 सितंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। दिल्ली शिक्षा मॉडल को यूपी के लोगों तक पहुंचाने पर आप नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर अमित त्रिपाठी को मिल सकती है शिक्षा मॉडल को लेकर जिम्मेदारी। आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं। डॉक्टर अमित त्रिपाठी पहले से ही झुग्गी झोपड़ियों में जाकर दिल्ली शिक्षा मॉडल को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि दिल्ली शिक्षा मॉडल कैसे बेहतर है यूपी के शिक्षा मॉडल से। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर अमित त्रिपाठी, जो आप नेता है वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी जी नमस्कार, नमस्कार। अमित जी, 30 तारीख को मनीष सिसोदिया पहुंच रहे हैं प्रयागराज, क्या कुछ प्रोग्राम है उनका और किस उद्देश्य से वो प्रयागराज आ रहे हैं? जी जी, माननीय मनीष सिसोदिया जी प्रयागराज आ रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य वो शिक्षा की बात पर चर्चा करना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि दिल्ली में शिक्षा मॉडल क्या है और उस शिक्षा मॉडल से हमें दिल्ली के शिक्षा स्तर को किस तरह बदला है और उत्तर प्रदेश में भी वो इस तरह की शिक्षा मॉडल को लाना चाहते हैं अपनी सरकार बनाने के बाद। अच्छा, एक चीज और अमित जी, ये बताइए कि शिक्षा मॉडल की आप बात कर रहे हैं कि सिसोदिया जी आएंगे और शिक्षा मॉडल के बारे में बताएंगे, तो क्या ये वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे या फिर कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि आपको इन लोग जो गांव-गांव जाइए, झुग्गी झोपड़ी जाइए, वहां पर जाकर शिक्षा मॉडल को बताइए, दिल्ली का शिक्षा मॉडल क्या है? नहीं, अभी तो वो शिक्षकों और बुद्धिजीवियों और छात्रों से बात करेंगे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में शिक्षा के साथ चर्चा करने के झुग्गी झोपड़ियों और जहाँ पर शिक्षा नहीं है उन परिवारों के पास जाने के लिए भी नहीं कहेंगे, इससे हम नहीं कह सकते, बिल्कुल कहेंगे और वहाँ जाना ही पड़ेगा। और त्रिपाठी जी, आप लगातार झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, हमने भी देखा है आप झुग्गी झोपड़ियों में जाकर शिक्षा मॉडल को बता रहे हैं, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को, वहाँ के गांव के जो बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी आप बात करते हुए देखे गए, किस तरह से आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल में क्या अंतर आप समझा रहे हैं? देखिए, बहुत प्यारे बच्चे हैं और विश्वास मानिए उनकी मासूमियत देख के लगता है कि उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। जिस शिक्षा के वो हकदार हैं वो शिक्षा उन्हें मिल नहीं रही है और आज समाज दो स्तर में बट गया है, एक पूंजीवादी स्तर में बट गया है, एक छोटे लोगों के स्तर में बट गया है। छोटे लोगों के लिए जो सरकारी विद्यालय है जहाँ उनको शिक्षा मिलनी चाहिए अच्छी, वहाँ उनको मिलती नहीं, तो उस असमानता को हमने दिल्ली में काफी हद तक दूर किया है। वहाँ के सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयों से बहुत बेहतर हो गए हैं और सरकारी विद्यालय के बच्चों ने अपनी योग्यता और क्षमता को निजी विद्यालयों के बच्चों की योग्यता और क्षमता से ज्यादा अच्छा पेश किया है। तो हम उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं जो छोटे तबके के लोग हैं, उनके परिवार है, उनके परिवार के बच्चे हैं, उनको भी हम एक अच्छी शिक्षा दें जो निजीवादी घर के बच्चे पाते हैं, उस शिक्षा के वो भी हकदार बने और अपनी योग्यता और क्षमता से वो ये सिद्ध करें वास्तव में अगर वह शिक्षा उन्हें पहले मिल गई होती तो आज भारत के विकास में उनका भी एक बड़ा योगदान रहा होता। रणनीति ले क्या रहेगी आप लोग की, क्या रणनीति लेकर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया प्रयागराज? देखिए, रणनीति पे अभी हम कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, जब तक वो यहाँ पर अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक हम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी कोई दिशा निर्देश नहीं मिलेगा कि हमें फील्ड स्तर पर कैसे कार्य करना है। हम इतना जानते हैं कि अभी वो शिक्षा पर बात करने आएंगे और हमारा मार्गदर्शन करने आएंगे। लेकिन त्रिपाठी जी, आप तो काम कर रहे हैं ना, आप तो काम कर रहे हैं, किसी उद्देश्य से जा ही रहे हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी जी, लेकिन वो अन्य कितनी योजनाओं को लेके आ रहे हैं, किस तरह का मार्गदर्शन करेंगे, या हम जिस तरीके से चल रहे हैं वो तरीके में क्या कमियां हैं, या हम सही ही तरीके से चल रहे हैं, वह तो जब तक नहीं आएंगे उन बातों को हम सब ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक ना हमें अपनी कमियां पता चल सकती है, ना हमें ये भी नहीं पता चल सकता कि हम जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें शिक्षा की ही बढ़ोतरी पर और शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर है और शिक्षा को हर घर पहुंचाने का ही काम कर रहे हैं, तो सराहनीय कार्य है। लेकिन बेहतर सराहनीय कार्य कैसे बने, उसके लिए जब हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे माननीय मनीष सिसोदिया जी जब हमारे साथ रहेंगे और हमें हमारे साथ संवाद करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो हम बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे और बेहतर सराहना के हकदार बनेंगे। जी अच्छा, दिल्ली शिक्षा मॉडल हमने भी देखा, उत्तर प्रदेश शिक्षा मॉडल हमने भी देखा है, तो आप क्या अंतर महसूस करते हैं? अब उत्तर प्रदेश की शिक्षा हालात किसी से छिपा नहीं है, आए दिन आप देखते हैं अभिभावक निजी स्कूलों पे जाके मारपीट करते हैं, ठीक है, शिकायत करते हैं, न्यायालयों में याचिका दायर होती है मनमानी फीस के खिलाफ, सरकारी विद्यालयों में टीचर जाते नहीं है, बच्चे से भोजन खाने जाते हैं उस भोजन की भी कोई गुणवत्ता नहीं है,
बीमार आए दिन पड़े रहते हैं, हॉस्पिटल में भीड़ लगी रहती है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ के जो शिक्षक हैं वो आजकल प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, वो एक फेलोशिप की तरह नौकरी करते हैं, कभी गए तो कभी नहीं गए। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे और सही तरीके से उसको पता करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ की शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। प्रोजेक्टर नहीं है, क्लासरूम अच्छी नहीं है, लेबोरेटरी अच्छी नहीं है, ठीक है, लैब अच्छी नहीं है, एटमोसफियर अच्छा नहीं है, बिल्डिंग्स अच्छी नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं आती हैं, बच्चों को कभी अच्छे शिक्षकों से पढ़ाया नहीं जाता है, शिक्षकों का कोई प्रशिक्षण नहीं होता है, राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण की बात छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण की बात नहीं होती, बच्चों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए आज भी इतने कंप्यूटर मौजूद नहीं सरकारी विद्यालयों में, जो निजी विद्यालयों में सुविधा दी जाती है मोटी फीस लेकर। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, जब उससे अगर चर्चा करने लगे तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसके एक दिन लग जाए तो भी कम है। फिलहाल अभी मनीष सिसोदिया का इंतजार है कि वो प्रयागराज आएंगे और आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद त्रिपाठी जी, बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो आम आदमी पार्टी के नेता अमित त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शिक्षा की बात कर रहे थे। प्रयागराज में मनीष सिसोदिया आने वाले हैं 30 तारीख को, 30 सितंबर को।